हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूँ प्रहलाद शर्मा। आप देख रहे हो हमारे यूट्यूब चैनल ओपेक एग्रीकल्चर ऑनलाइन में। दोस्तों, ये आज का वीडियो मैं उन विद्यार्थियों के लिए लेके आया हूँ जिसने अभी IBPS का एग्ज़ाम मेंस या इंटरव्यू अटेंड किया है। क्योंकि दोस्तों, अभी IBPS ने COVID-19 जो भी महामारी चल रही है कोरोना वायरस से, उसको देखते हुए रिजल्ट को पोस्टपोन कर दिया गया है। तो इसके चलते स्टूडेंट के मन में ये डाउट चल रहा है कि अब रिजल्ट कब आएगा, क्योंकि IBPS ने यह मेंशन नहीं किया कि रिज़ल्ट इस तारीख के बाद आएगा या इस तारीख को आएगा। अब रिज़ल्ट के नोटिस में भी उसने ये एक सस्पेंड डाल दिया कि वो रिज़ल्ट पोस्टपोन रिजर्व लिस्ट का या जो वेटिंग लिस्ट का हुआ है या पूरा जो रिज़ल्ट रोक दिया गया है। तो इसी को चलते हुए मैं ये वीडियो बनाया हूँ। और इसके अलावा एक डाउट चल रहा है कि अभी जो अपने बैंकों में कितनी सीटें बढ़ी हैं, टोटल पोस्ट पहले पहले कितनी थी, अब वो कितनी इंक्रीज हुई है, इन सबको देखते हुए ये वीडियो में बनाया हूँ। तो सबसे पहले मन में डाउट ये चल रहा है कि पहले कितनी वैकेंसी थी और अब जो वैकेंसी बढ़ी हैं कितनी बढ़ी हैं, एंड जो बढ़ने के बाद कौन से बैंक ने बढ़ाई हैं, और फाइनल मेरिट लिस्ट क्या रहेगी कि वह इस बार, और रिज़ल्ट किस तारीख को आएगा, या रिज़ल्ट के बारे में IBPS ने क्या मेंशन किया है। तो चलो दोस्तों, इसके बारे में अपन देखते हैं। देखिए दोस्तों, जो पहले जो वैकेंसी थी IBPS की, वो थी जिस टाइम नोटिस आया था उस टाइम थी 670 वैकेंसी। लेकिन अभी अभी जो एक बैंक ने या बैंकों के द्वारा जो वैकेंसी बढ़ाई गई हैं, उसको उसका बढ़ने के बाद में जो वैकेंसी वो हो गई 844। अब बता दूँ दोस्तों, वो जो वैकेंसी बढ़ाई हैं बैंक ऑफ इंडिया ने। एक RTI के तहत ये पूछा गया था कि आपके बैंक के द्वारा IBPS के अंदर कितनी पोस्टें ऐड की गई हैं, कितनी पोस्टें मेंशन की गई हैं। दोस्तों, इसका RTI के मैं आपको बता देता हूँ। और ये सब ऐड करने के बाद में 844 वैकेंसी हुई। इसके बाद में भी एक दो बैंक ऐसे हैं जिसने NR डाल रखा है या नॉट रिक्वायरमेंट, मतलब जो भी डाल रखा है, तो अभी और वैकेंसी बढ़ने की संभावना हो सकती है। तो दोस्तों, मैं आपको इसका RTI दिखा देता हूँ। देखिए दोस्तों, इसमें RTI इसमें ये लगाई गई थी 14 फरवरी 2020 को। इसके तहत बैंक ऑफ इंडिया ने इसका रिप्लाई दिया कि द टोटल नंबर ऑफ सीट्स इंडेटेंड टू IBPS फॉर एग्रीकल्चर ऑफिसर फॉर 2020-21 के लिए 176 वैकेंसी इसमें बढ़ाई गई है। दोस्तों, ये साहब इसने अपना RTI के तहत नोटिफिकेशन जारी किया गया था 11/3/2020 को। तो ये आपके लिए अच्छी खुशखबर है, आपके लिए एक बहुत बड़ी खबर कि 176 वैकेंसी, मतलब इसमें फिर 3 गुना आपको पास किया गया है। लेकिन अब जो फाइनल मेरिट लिस्ट रहेगी उसमें पता चलेगा कि कितनी क्या कट ऑफ या जो भी रहने वाली है। अब दोस्तों, मैं बता दूं कि जो इंटरव्यू, अब इंटरव्यू हो गया आपका, तो मेंस की जो कट ऑफ क्या रही थी आपकी, कि जो मतलब जो शॉर्ट लिस्ट हुए कैंडिडेट इंटरव्यू के लिए, उनके लिए दोस्तों देखो, SC जो कैंडिडेट थे उनके लिए हुई थी 28.50 मिनिमम कट ऑफ, और टोटल मार्क्स कितने थे सो पता है, 60 मार्क्स थे। एक क्वेश्चन 1 मार्क्स था, लेकिन बाद में जब ये 80:20 में होता है तो एक क्वेश्चन को 1.33 से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। दोस्तों, ST जो कट ऑफ थी 26.50, OBC की 30.75, और जनरल और EWS की जो कट ऑफ रेट सेम रहे हैं, OBC की, जनरल की, EWS से बता सकते हैं, तो सेम है, किस दिन 30.75। अब बात करते हैं कि इंटरव्यू को मिला के कट ऑफ क्या रहने वाली हैं, कितनी क्या कट ऑफ अपन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। देखो दोस्तों, आपके पास पेपर इजी आया था, तो उसको देखते हुए मैं सभी से ये बोलना चाहूँगा कि जिस भी कैंडिडेट के अगर कट ऑफ से 5 नंबर ज़्यादा हैं, 5 नंबर अगर ज़्यादा हैं या 5+ हैं, तो वो अपना सेफ कंडीशन मांगता है। क्योंकि वो डिपेंड करता है कि आपको इंटरव्यू में कितने मार्क्स आते हैं, क्योंकि इंटरव्यू में हमेशा वेरियस मार्क्स रहते हैं, किसी के 12 आते हैं, किसी के 10 आते हैं, किसी के 15 आते हैं, किसी के 16 आते हैं, अकॉर्डिंग टू योर परफॉर्मेंस। तो मैं चाहता हूँ कि जैसे मान लो कि जनरल कट ऑफ 30.75 हैं, 30.75 जनरल कट ऑफ हैं या OBC कट ऑफ हैं, तो इस जो कैटेगरी के जो स्टूडेंट, अगर उनके मार्क्स आ रहे हैं कितने, 35 अबव आ रहे हैं, तो वो मान लो कि उस लिस्ट में अपना, मतलब अपने आप को रख सकता है कि मेरा भी चांस है सिलेक्शन होने का। क्योंकि दोस्तों, मान लो कि जब 35+ में आ रहे हैं, फिर उसके बाद में 1.33 से मल्टीप्लाई होगा, तो लगभग वो 48 के आसपास पहुंच जाएगा। उसके बाद में उसके इंटरव्यू में कितने मार्क्स आ रहे वो डिपेंड करता है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, जिस भी कैंडिडेट के अपनी कैटेगरी के अंदर 5 या 6+ अगर नंबर आ रहे हैं, तो अपना सेफ कंडीशन मान सकते हैं। क्योंकि अभी डिपेंड करता है इंटरव्यू में उसकी क्या परफॉर्मेंस रहेगी। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, जिसके 37 मार्क्स आ रहे हैं
उसका सिलेक्शन नहीं होता, जिसके 35 मार्क्स आ रहे हैं उसका सिलेक्शन हो जाता है। वो डिपेंड करता है इंटरव्यू के परफॉर्मेंस के ऊपर कि इंटरव्यू में आपके कितने नंबर आ रहे हैं। तो ये थी अपने जो मेरिट लिस्ट के बाद। अब मैं बात करता हूँ दोस्तों कि रिज़ल्ट कब तक आएगा। देखिए दोस्तों, अभी जो IBPS ने नोटिस जारी किया है COVID-19 को लेके या उसके तहत, उसमें ऐसा मेंशन नहीं कर रखा कि जो ओरा रिजल्ट पोस्टपोन किया जाएगा, उसमें बस इतना ही मेंशन कर रखा है कि जो वेटिंग जो लिस्ट है बस उसी का ही बस जो रिज़ल्ट पोस्टपोन किया जाएगा, आगे जो पोस्टपोन नहीं किया जाएगा। तो उसमें ओनली जो वेटिंग लिस्ट है उसको पोस्टपोन किया गया, उसने ये मेंशन नहीं किया गया कि जो ओरा रिजल्ट को पोस्टपोन किया जाएगा। अब वेटिंग लिस्ट में उसने मेंशन नहीं किया कि आगे वो कब तक लिस्ट आएगी। तो मैं आपको नोटिस दिखा देता हूँ। तो दोस्तों ये देखो, मैं आपको नोटिस दिखा देता हूँ। उसमें इसने साफ ये कह रखा है कि ड्यू टू द अनफॉरसीन सर्कमेंटेशन COVID-19 पेंडेमिक, द डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट ऑफ प्रोविजनल अलॉटमेंट अंडर रिजर्व लिस्ट, यानी वेटिंग लिस्ट के अंतर्गत जो रिजल्ट है CRP POMT एट का, CRP क्लर्क्स एट का, CRP सिविलिस्ट ऑफिसर एट सेल बी पोस्टपोन्ड अंटिल फर्दर ऑर्डर। मतलब जब तक आगे कोई आदेश नहीं आया जाता, तब तक जो वेटिंग लिस्ट है उसके उसके रिजल्ट को आगे पोस्टपोन कर दिया जाता। तो दोस्तों इसमें यह मेंशन नहीं किया गया कि ओरा रिजल्ट उसको पोस्टपोन किया गया है। आगे क्या है, द नोटिफिकेशन डेटेड 1/4/2019 विथ रेस्पेक्ट टू एक्सपायरेशन ऑफ रिजर्व लिस्ट 31/3/2020। मतलब इसके तहत जो रिजर्व लिस्ट 31 मार्च को आने वाली थी उसको आगे पोस्टपोन कर दिया जाता है, क्योंकि हमेशा रिजर्व लिस्ट रिजल्ट के एक दिन पहले आती है, और रिजल्ट जो होता है IBPS का वो हमेशा 1 अप्रैल को आता है मेरिट लिस्ट का, जिसके अंदर बैंक अलॉटमेंट कर दिया जाता है। फिर यह क्या आगे लिखा हुआ, फॉर ऑल अबव मेंशन कॉमन रिक्वायरमेंट प्रोसेस सेल बी अकॉर्डिंगली मॉडिफाई एंड द वैलिडिटी डेट सेल बी इन्फॉर्म ड्यू टू कोर्स। अगर आगे ऐसे और कुछ संभावना होती है तो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। तो दोस्तों इसके तहत तो यही है, समझ में आ रहा है कि रिजल्ट वही 1 अप्रैल को आएगा। बाकी अगर 1 अप्रैल को रिजल्ट नहीं आता है तो जब तक लॉकडाउन है तब तक रिजल्ट आने की कोई संभावना नहीं है। फिर आप रिजल्ट 15 अप्रैल से लेकर 20 अप्रैल के बीच में आने की संभावना है। ठीक है दोस्तों, ये था आपके कुछ डाउट जो मैंने क्लियर कर दिए हैं। धन्यवाद। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो दोस्तों, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कमेंट्स जरूर करके बताएं। धन्यवाद दोस्तों।